हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज फिर से आ गया है संडे। इधर देखो, संडे। और आज हम फिर से भटकने जा रहे हैं कहीं पे, देखते बाहर कैसी। मैं तो आज देखूंगी गर्मी कैसी है ना। उन्हें फोन पकड़ोगे? सॉक्स डाल लेती हूँ मैं थोड़े से। और काम कर लिया हमने, आलू के परांठे खाए हैं हमने, मैंने और इन्होंने कपड़े धोए हैं आज। और क्या किया है? बस यही काम किया। और इनका हेयर स्टाइल मैं दिखाती हूँ। क्या बाल कटवाए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इनका। वो देखो शीशे में, देखो शीशे में बाल, पता नहीं आगे से तो बाल पूरे लंबे हैं, पता नहीं साइड साइड से गंजी करवा ली है। दिखाना अपनी स्टाइल, दिखाओ अपना गंजे वाला। बस ये गंजापन है और बाकी लंबे लंबे बाल हैं बाकी सारे। तो हम जा रहे हैं आज सरोजनी नगर घूमने के लिए। बाकी देख के आते हैं कि आज वहां पे क्या सस्ता नया माल आया हुआ है। काफी टाइम हो गया ना, 4-5 महीने हो गए घूमने गए हुए। तो मैं देख के आऊंगी वहां पे, अच्छा सा सस्ता सा कुछ मिलेगा तो ही लेके आऊंगी, महंगा तो वैसे कहाँ मिलेगा पुराना माल। तो चलो हम निकलेंगे। वो नया उधर आएगा ना, वो तेरा होगा और हेडफोन जो होगा ना, वो हेडफोन मैं लूंगा दूसरे वाला, और तू ये वाला लेगी। अब हम मार्केट में पहुंच गए। तो अभी कहाँ पहुंचे मार्केट में? मार्केट में तो है, अभी तुम घर से निकले हैं? घर की मार्केट में, घर की मार्केट में बोलो। और मैं छोटा हूँ तो मुझे सेल्फ स्टिक लेनी पड़ेगी, और बाहर बहुत ज्यादा धूप है तो मुझे डालना पड़ेगा ये सस्ता वाला चश्मा जो मेरी आंखों को बचाएगा। वैसे तो बचाएगा क्या, वैसे ही शौक का है ये। तो अब हम जा रहे हैं और अब हम सस्ती मार्केट में मिलेंगे आपको। आप मुझे वहां पर कपड़े छांटते हुए देखेंगे। मैंने भारती की मोच मार ली है। अब आप चलो, अब हम आपको मार्केट में मिलते हैं। जब मैं कपड़े छांटूंगी ना तब आप मुझे देख पाओगे कि किस तरह से मैं सस्ता माल छांट रही हूँ। तो कुछ पसंद आएगा तो वो छांटा हुआ ले आऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी मैं। चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं मार्केट में। बस में धक्के मुक्के खाते हुए अब हम जाएंगे। और आधा घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली हमें बस मिल गई, सीट भी मिल गई। पूरी खाली बस मिल गई, बहुत गर्मी है और बाहर। ये वाला व्यू मेरा फेवरेट व्यू है, नया बन के तैयार हो गया अभी। ये फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। उतर गए हैं हम बस से और पानी पी लिया। बड़ी क्या सर, बोतल नहीं लेके आए, बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, अब जाके मेरे शरीर में ठंडक बह गई है। और अब हम, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है सच में। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा देर तक घूम नहीं पाऊँगी। और 3:30 बज गए हमें आते ही आते ही। और अभी हम एक गुफा में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। अब ना हम ना बहुत धक्के मुक्के खाएंगे। आज तो संडे और बहुत भीड़ होगी मार्केट में, है ना? भीड़ होगी ना आज, बहुत भीड़ होगी ना। और मैं ये सोच रही थी मैं कैसे कुछ मिल पाएगा मुझे सस्ता सा कि नहीं मिल पाएगा, बस यही है मेरे दिमाग में टारगेट। चलो अब मार्केट में मिलते हैं। फास्ट तो आप देखो रास्ते में ही बहुत ज़्यादा भीड़ है, ध्यान से दिख नहीं रहा होगा पर बहुत भीड़ है। और मैं अभी गिरी होती, झटका आपको दिख ही गया होगा फोन में। अभी तो मेरी ऐसी वीडियो बनती ना, सब मेरी वीडियो बना रहे होते इस टाइम, वायरल हो जाती। काश गिर जाती तो काश वायरल तो हो जाती कम से कम। और आइसक्रीम 30 रुपए की थी तो मैंने नहीं ली यार, बेफालतू में। घर पे जाके ना बड़ी वाली 20 रुपए की खाऊंगी। हम कभी भी घूमने जाते हैं तो हम खाते कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक तो महंगा भी मिलता है और गंदा और मिलता है। इससे तो अपने घर जाके मार्केट में खाएंगे। और यहाँ पे ना 50 की पैंट मिल रही है, बढ़िया सी, खूब सस्ता माल मिल रहा है। लेकिन गर्म कपड़े मिल रहे हैं 20 के। आज बड़ा सस्ता माल मिल रहा है और बहुत भीड़ है। और हम मार्केट में, अरे हाँ, और हाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो। रुको, आप मेरा हुलिया देख ही रहे होंगे, मैंने आज क्या कपड़े पहने हैं। तो मेरे पास कपड़े नहीं थे और मैंने इनके कपड़े पहन लिए। बेचारे कभी कभी खरीदते कोई सा कपड़ा, उस पर भी मेरा राज हो ही जाता है। गर्मी है ना तो ढीले कपड़े पहनने पड़ते हैं, मुझे यही मिला। तो चलो अब हम ना मार्केट में थोड़ा घुसते हैं, भीड़ भड़के में थोड़े धक्के मुक्के खा के कुछ सस्ता सा मिलता है, फिर जो है बस करते हैं आपके सामने रिवील क्या लिया हमने। पसीने आ गया इससे, अभी चश्मा खोलना पड़ेगा। नहीं वहाँ धक्का मुक्की लगेगी, टूट जाएगा आगे। बड़ी मुश्किल से खरीदा ये सस्ता सा, बड़ी मुश्किल से
भारती फाइनली पहुंच गई है सरोजनी नगर और एंट्रेंस हो गई है भारती की। भारती देख रही है ड्रिंक्स और भैया संडे है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और भीड़ देख रही है आज भीड़ खूब है। भारती मुझे लगता है कि भाई इस भीड़ में तो नहीं यार हो नहीं सकता, संभव है इस भीड़ में ब्लॉगिंग करना तो नामुमकिन है भाई। मुझे भारती नहीं दिख रही इतनी भीड़ में, भारती अरे यार बहुत भीड़ है यार, क्या करें घूम लेते पहले। भारती ढूंढ रही है 100-100 50-50 की सेल ढूंढ रही है और तलाश जा रही है भारती की 100-100 रुपये 100-100 रुपये। हाँ यार अच्छी लग रही है, आई वांट टू नॉट फीलिंग्स। अरे अरे अच्छा मॉल है भाई, आज देखो संडे के दिन कितनी भीड़ है, फैशन पूरा बड़ा हुआ है, सरोजनी पूरी भीड़ लगी हुई है और गर्मी भी खूब है भाई। ज्वेलरी देख रही भारती 30 रुपए की ज्वेलरी है ये वाली, बालिया पहने की देखो छोटी वाली, इससे थोड़ी सी छोटा, थोड़ी सी देर में ही बहुत गर्मी लग रही है, मुझे घर जाने का मन कर रहा है, इतनी भीड़ है, मेरी शक्ल देख सकते हो आप हालत, मैं देख लेती थोड़ा सा और। हाँ ये अच्छी लग रही भारती, भारती भारती सही लग रही है, हाँ सही लग रही है, ले ले नहीं 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 सही है, ये सही है भारती, ये बस भारती का स्टंट मुन्नू तू छोड़ दे, ये ना मुझे नहीं सही लग रही वो, बड़े अच्छी लग रही थी। हाय छोड़ दी भारती ने एक और टी शर्ट, आखिरकार भारती अपने मूड में आ चुकी है। और ये क्या बन रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या ले रहे हो ये भाई, ये कौन सी टी शर्ट ने छांटने लग गए हैं, बोला दोगे मीठा है खाना आज पहले कर, हाँ हाँ बोलो ले लो तो अच्छी लग रही है। तो अभी आप सभी ने देखी होगी उन्होंने कैसी वाली शर्ट पसंद की थी, बहुत बुरी लग रही थी, गोवा वाले बीच पे जाता है उनको, मुझे वो आइसक्रीम नहीं मिल रही है यार, भीड़ भड़के में भारती कुछ नहीं करती यार, और ये भारती घुस गई खूब भीड़ है, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। कैसा महसूस हुआ भीड़ में घुस के 100 रुपये की खोज में, भारती बोल रही घर चल पड़ते हैं, पर जैसे 100 रुपए की चीज दिख रही है उसकी तरफ भाग रही है। ₹200 थोड़ा थोड़ा मुंह उतर गया, मुन्नू टॉम ले ले, और भारती फिर से 100 रुपए की बात ठेली पे पजामे देख रही, पजामे रंग बिरंगे, पजामे रंग बिरंगे हरे पीले नीले काले, पसंद आया तुझे तो मैं तो एक ही काम करूंगा ना, नहीं मिस चलो 100 रुपए अगला मिशन, 50 नहीं है ये 150 है, 50 ओ नहीं यार रंग बिरंगी टी शर्ट दिखा रही है, यार पता नहीं कितना पुराना रखते हैं यार, अच्छा पसंद आता है तो फटा हुआ होता है, दाग लगा होता है, मेरा हैंगी हो गया, 800 का है वो वाला, तो मैंने पूछा 800 का आप ना ये टूट जाएगा, अच्छा वाला दिला दो तुम्हें, दिला दूंगा
भारती पहुंच गई ज्वेलरी की शॉप पर। भारती ने पहन पहन के शौक पूरे कर लिए सारे, खरीदेगी नहीं पर पहन लेगी, पहन के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है धूल मिट्टी से, और हम मार्केट से बाहर निकल गए, अब यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट और वहाँ पे घूमेंगे। और ये देखो पाने के बाद दिखाना, ये है थैलियाँ मेरी दो, अब पकड़ो इसको, कैमरे को पकड़ो पकड़ो ना, अब आप बोल दो जो बोलना है। भाई बुरा हाल हो गया। ये दो दिखा, ये दो थैलियाँ ना इसके लिए मैं लेके आई हूँ, ये थैला, ताकि किसी को लगे ना कि मैं सस्ता माल लेके आई हूँ, किसी को लगे कि ब्रांडेड कपड़े लेके आई हूँ, 50-50, 100-100 वाले, कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, दो ही कपड़े लेके आई हूँ बस। और अब मैं बन गई हूँ ये दुकान वाले कपड़े थैलियों से बन गए, क्योंकि ना चिट्टी थैलियाँ अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप समझ जाना कि वो सरोजनी नगर है या कोई सा मार्केट, संडे मार्केट, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। तो अब मैं एसएन वाली नहीं रही हूँ, अब मैं थैली वाली बन गई। इतनी भीड़ है भारती, भीड़ में गुम हो जाएगी, इतनी भीड़ है। हाथ खड़ा करना, इसका शूट ये ले रहा हूँ ना। अच्छा, तो फोटो क्लिक कर रहा हूँ उसका, ऐसे कर ले, ऐसे कर। हम बर्गर खा रहे हैं अब घर जाने जाते जाते, क्या हो गया? बर्गर, यम यम यम, बर्गर खा लिया। 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। और अब हम घर जा रहे हैं, और मैंने अपना वेट भी क्या करवाया, धुलवाया, और मेरा वेट जो है काफ़ी बढ़ गया है, 42। मेरे बाल देखो कितने शाइन मार रहे हैं, लाल लाल बगंडी। अब हम घर जाते हैं, थोड़ी सी रील बनानी पड़ेगी मुझे आज, एक रील घर को रवाना होंगे, मोमो खाऊंगी अब घर जाके, यहाँ पे महंगे मिले रहे हैं और गंदे मिल रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता, थक गया हूं मैं, थक गया हूं। तो अभी हम घर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और ना सरोजनी नगर में अभी कुछ अच्छा माल मुझे दिखा नहीं इस बार, कुछ खास नहीं लगा, और बस यही। आ गए हम घर वापस और थक गए हैं, और अब मैं बिस्तर में लंबी पड़ गई हूँ लास्ट की तरह। तो हम अगली छुट्टी को मिलेंगे, अब तब तक के लिए बाय बाय, पता नहीं अगली छुट्टी अब कब आएगी, 8 तारीख को होली के टाइम पे। और ये देखो आए हैं, और मतलब हाथ पे हाथ मुँह धो के हेयर स्टाइल बना रहे हैं, मतलब बिस्तर पे लेटना और उसके बाद भी हेयर स्टाइल चाहिए इनको, देखो तो सही ज़रा। और हेयर स्टाइल दिखाना, इधर देखना ज़रा, दिखाना नज़दीक से, नज़दीक से। और चलो अब आप भी बाय बाय करो, इसका अच्छा लगा था तभी। अब नहीं हो आप वैसे वाले, हैंडसम रहने दो। तो ये काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे पड़ी हुई हूँ, और बालों में दर्द हो रही है मुझे, बालों की जड़ों में, क्योंकि बालों की ऐसे कुछ चुंडी सी बना के गई थी मैं इसलिए। तो चलो बाय बाय, अगली छुट्टी को मैं मिलती हूँ, ज़्यादा जोर से बोलने का मन नहीं करता क्योंकि थकी हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।